कथा जगत में भी बड़े बड़े विद्वानों ने भी व्यास गद्दी की महिमा और गरिमा को गिराया साहब। विद्वान विद्वान लोग कथा व्यास गद्दी से भी बैठ करके निंदा चुगली कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कल ही मैं एक दृश्य देख रहा था सोशल मीडिया में। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो व्यास पीठ से बैठ करके एक दूसरे कथावाचक पर उंगली उठा रहे थे, और फिर जब उन्होंने उंगली उठाया तो वो कथा व्यास भी व्यास गद्दी से बैठ करके उनकी निंदा कर रहे थे। दोनों का युद्ध चल रहा हो जैसे। मेरे भाई बहन, ये महाभारत की कुरुक्षेत्र की भूमि नहीं है ये व्यास गद्दी। यहाँ भगवान की कथा सुनाने के लिए आप बैठे हैं, यहाँ पर बैठ करके आप हरि की कथा कहिए। आप यहाँ व्यास गद्दी से बैठ करके एक दूसरे व्यास की निंदा कर रहे हैं। जो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ है वो कौन है? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। हम तो केवल हाथ जोड़ करके यही कहेंगे इस समस्त दुनिया के कथाकारों से, कथा व्यासों से, कि भगवान की इस पवित्र गोद का अपमान मत करिए। आपको किसी की निंदा करना है, आपको किसी की चुगली करना है, आप अपना एक स्वतंत्र मंच बनाइए और वहां से बैठ के आपको जितनी गाली देना है, जिसको जितनी निंदा करना है आप करिए, लेकिन इस पवित्र व्यासपीठ की मर्यादा और गरिमा बनाइए। यहां से बैठ करके हम किसकी निंदा कर रहे हैं? वो कथा कहने वाला भी तो ब्राह्मणोस मुखमासीद, वो भी तो भगवान का मुख है, वो भी तो भगवान का ही बपू है, वो भी तो भगवान का शरीर है। आप किसकी निंदा कर रहे हैं? उसके अंदर भी भगवान विद्यमान है, उसके अंदर भी भगवान ईश्वर बैठा है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। तो केवल प्राणी मात्र की निंदा नहीं, उसके अंदर बैठी हुई ईश्वर की निंदा भी आप कर रहे हैं। इसलिए हम इस दुनिया के समस्त कथाकारों से, कथा व्यासों से कहेंगे, यदि आपको निंदा करना है, किसी की बुराई करना है, तो हमने कल देखा दो महारथी इस दुनिया के, विद्वान विद्वान महारथी साहब, मूर्धन विद्वान है वो कथा जगत में, जिनके नाम से आज लाखों दो दो लाख श्रोता उनके मंच पर पहुंच जाते हैं, वो भी व्यासपीठ से निंदा कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, आप लोग विद्वान लोग हैं, हमारे विप्र बृंदु पर समझ गए होंगे, क्योंकि रात में हम उनकी चर्चा कर रहे थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। साहब ये व्यासपीठ तो हरि की कथा गाने की गोद है साहब, इस गोद से बैठ करके तो हरि कथा गाओ, हरि के कीर्तन करो, सुंदर मधुर मधुर श्लोकों को गाओ, उसमें हमारा कल्याण होगा, निंदा से हमारा क्या होगा। मेरे भाई बहन, वेद व्यास जी ने तो ये भी लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे की निंदा करना भी सबसे बड़ा पाप है। आप किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, उनके नेक कार्यों की आप सराहना नहीं कर सकते, तो कम से कम उनकी बुराई तो मत करो। हम एक कन्यादान करने में हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और समाज में कुछ ऐसे कथा व्यास भी हैं जो अपने हरि के बल पर, अपने तप के बल पर समाज में अनेक कन्याओं का विवाह भी कराते हैं। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि आप इस पवित्र व्यासपीठ की मर्यादा बनाए रखें, चाहे वो दुनिया के कोई भी कथा व्यास हो। दुनिया के समस्त कथा व्यासों को हम व्यासपीठ से नमन और वंदन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। हम भी हरि कथा गाते हैं और वो भी कथा गाते हैं, हम सब हरि के जन हैं। हमें इस व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखना होगा, हमें इस व्यासपीठ की गरिमा बनाना होगा।